शायद आपको ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन मेरे सभी शौक में सबसे मन पसंदीदा है गाड़ी चलाना। बहुत से लोगों को रास्ते में सो जाने का डर होता है या फिर लंबे और थका देने वाले ट्रिप बनाने में संकोच होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अकेले गाड़ी चलाकर घूमने में बहुत मजा आता है। खुद को खोजने का मौका और शांति में रहने का मजा जो शहर की भागदौड़ में होना असंभव है। उस दिन की घटना के बावजूद मुझे अभी भी अकेले घूमना अच्छा लगता है। मार्च महीने की उस काली ठंड भरी रात में जो दिक्कत मुझे महसूस हुई वो ये थी कि मैं इस बात से अनजान थी कि मैं अकेली नहीं हूं। मुझे याद है कि उस दिन किस तरह मैं अपने भाई के बच्चों से मिलने जा रही थी। मैंने अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी और पूरी रफ्तार पकड़कर निकल चुकी थी। रास्ता लंबा था और मैं अकेली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। जैसे ही मैं सुनसान रास्ते पर पहुंची तो मैंने गाड़ी की गति धीमी कर दी और नजारे का मजा लेते हुए चलने लगी, लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। जब मैं गाड़ी चला रही थी तो एक परछाई मेरे सामने से गुजरी और मुझे उससे बचकर निकलना पड़ा, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगा जैसे कि मैंने किसी को हिट किया हो। मैंने जोर से ब्रेक लगाई और ऐसा करने की वजह से मेरी गाड़ी सड़क से भी उतर गई, लेकिन मैंने उस पर नियंत्रण कर लिया था और उसे संभाल लिया था। जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वो वहां था, एक मरा हुआ जानवर सड़क पर पड़ा था। ओह बेचारा। मैं हमेशा से ही एक एनिमल लवर रही हूँ और मैं कभी भी इतने खूबसूरत जानवर से मुंह नहीं मोड़ती, लेकिन ये हिरन मर चुका था और अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी गाड़ी सड़क से उतर चुकी थी। इसलिए मैंने उसे दोबारा चालू की और फिर आगे बढ़ने लगी। जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। न सिर्फ गाड़ी थोड़ी भारी लगने लगी बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, जैसे मुझे किसी बुरी चीज का एहसास हो रहा हो। मैं उस जानवर के बारे में सोचने लगी जिसे मैंने कुछ ही सेकंड्स पहले देखा था। मुझे यकीन था कि मैंने उससे बचाकर ही गाड़ी चलाई थी। मैंने रियर व्यू की मदद से यह सुनिश्चित करने के लिए पीछे देखा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और शीशा देखने की बजाय मैंने उसे देखा। मेरी गाड़ी की छत से मुझे उसका चेहरा दिखा। उसकी डरावनी आंखें सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। वो छत पर अपने लंबे हाथ लटका कर बैठा था जो इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो समझ चुका था कि मैंने उसे देख लिया है और इसलिए उसने मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। उसने मेरी तरफ वाली खिड़की से अपना हाथ अंदर डाला और मुझ पर हमला करने लगा, लेकिन मैं उसे चकमा देने में सफल हुई। लेकिन ऐसा करने की वजह से मेरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो रास्ते के साइड पर रखे ढेर में जाकर अटक गई। वो प्राणी उड़कर मेरे सामने वाली झाड़ियों में जा गिरा और गायब हो गया। डरते हुए मैंने फिर से गाड़ी चालू की और पीछे करने से पहले मैंने उसे फिर से देखा। मेरे ही सामने वो किसी जानवर की तरह एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी की तरफ गया जैसे कोई मकड़ी हो। किसी को भी ये लग सकता है कि मैंने किसी दानव को देखा हो, लेकिन मुझे अपने मेडिकल स्कूल के दिनों से याद है कि मैंने इस तरह के इंसान देखे हैं। उसके हाथ और पांव बाकी शरीर से बहुत ही अलग और अजीब थे। वो बहुत ही लंबे और बड़े लग रहे थे। वो आदमी एक इंसान था जिसमें मार्फन सिंड्रोम थे। मैं जल्दी से गाड़ी पीछे करने लगी ताकि मैं वहां से निकल सकूं, लेकिन फिर मैंने वो आवाज सुनी, वही आवाज जो मैंने तब सुनी थी जब मैंने उस मरे हुए जानवर को देखा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि इस आवाज का ये मतलब नहीं था कि मैंने उस जानवर को हिट करके मार डाला था। वो जानवर उस जगह पर काफी समय से था। वो आवाज उस आदमी की थी जो मेरी गाड़ी की छत पर चढ़ा था। पूरी तेजी के साथ मैंने अपनी साइड वाली खिड़की को जल्द से जल्द बंद करना शुरू कर दिया ताकि वो फिर से अपना हाथ अंदर ना ला सके, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान रियर व्यू मिरर पर था। फौरन मैंने पैसेंजर सीट की खिड़की की तरफ देखा तो वो भी खुली हुई थी। मैंने जल्दी से उसे भी बंद किया और वो आदमी वहीं था आमने सामने मेरी तरफ देखते हुए। हम दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ वो खिड़की थी जो अभी 2 सेकंड पहले खुली हुई थी। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो उस खिड़की के शीशे को चाटने लगा और उसका थूक खिड़की पर लग गया। कुछ ही सेकंड्स में वो गुस्सा हो गया और शीशे को काटने की कोशिश करने लगा। उसके बाद मेरे सामने ही वो जगह जगह से गाड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतना तो जानती थी कि मैं इस तरह गाड़ी तेज भगाकर नहीं जा सकती जब तक वो आदमी हट ना जाए। हो सकता है कि मेरे सामने एक आदमी हो, लेकिन वो पागल था। इन सब ख्यालों के बीच वो आदमी जोर जोर से गाड़ी के शीशे को पीटने लगा।
मैंने गाड़ी को फिर से चालू करने की कोशिश की ताकि मैं उसे सड़क पर ला सकूं, लेकिन गाड़ी बीच में ही बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे फिसलन पहले से ज्यादा तेज हो गई है। कम ऑन, क्या वाकई इस मोड़ पर आकर तुम मुझे धोखा देने वाली हो? उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाली हूँ। ये तो सिर्फ एक वेकेशन ट्रिप होने वाला था जहाँ मैं अपने परिवार से मिलने वाली थी, और अब मैं किसी सुनसान सड़क पर मरने वाली हूँ, वो भी एक पागल आदमी के हाथों। अचानक रियर व्यू मिरर पर कुछ दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक बार और उम्मीद जागी। कुछ दूरी पर गाड़ी की लाइट्स चमकती हुई दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। वो मेरा इकलौता चांस था, क्योंकि इस सड़क पर किसी गाड़ी का मिलना नामुमकिन होता है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी के इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उस आदमी का ध्यान भटक गया। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और जितना तेज हो सकता था भागने लगी। आधे रास्ते पर पहुंच कर मैंने पीछे मुड़कर जब देखा तो वो आदमी मेरे पीछे भाग रहा था। अब वो अपने चार पैरों पर नहीं बल्कि दो पैरों पर ही भाग रहा था। वो काफी तेज था और वो अपने हाथ अजीब तरीके से ऊपर नीचे हिलाते हुए मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी बहुत ही जल्द मुझ तक पहुंच गया और उसने मुझे मेरे पालों से पकड़ लिया और फिर मुझे घसीटकर जंगल की ओर ले जाने लगा। लेकिन मैंने रास्ते के बीच से एक पत्थर उठाया और जोर से उसके पैर पर दे मारा। दर्द में चिल्लाते हुए उसने मुझे छोड़ दिया और जैसे ही गाड़ी मेरे सामने आई, मैं रोड तक पहुंच गई और वो गाड़ी रुक गई। ए, क्या तुम ठीक हो जाने मन? प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर ले जाओ। वाओ, बहुत ही बढ़िया ख्याल है दिलरुबा, तुम बस गाड़ी चलाओ अभी के अभी। जरूर जान, जरूर। क्या किसी ने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की? ना, प्लीज जल्दी चलाओ। वो आदमी लगातार मुझे देखता रहा और मुझसे अजीब अजीब से सवाल पूछता रहा। वो एक ठरकी था, लेकिन उस समय मैं बस इतनी बात से संतुष्ट थी कि वो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। उस आदमी ने मुझे पास के शहर तक छोड़ दिया। अगले दिन मैंने खुद को संभाला और यह ध्यान किया कि एक पागल आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और जब मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए वहां पहुंची तो वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। मैंने अपना कुछ जरूरी सामान उसमें से निकाला और जब मैंने उस जगह के आसपास की छानबीन शुरू की तो मुझे पता चला कि उस शहर के बाहर एक पागलखाना था। फिल्मों में पेशेंट पागलखाने से भाग जाते हैं जब वहां लाइट चली जाती थी या फिर कोई और हलचल होती है और किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन असल में सच्चाई बहुत अलग है। पागलखाना एक ऐसी जगह है जहां आप चले तो जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। वहाँ के बुरे हालात और पेशेंट पर ध्यान ना देने की वजह से जो लोग वहाँ से आते जाते रहते हैं, उनके लिए वो जगह बहुत ही खतरनाक हो जाती है। मैंने ये तक पढ़ा है कि पेशेंट के परिवार वाले उनसे मिलने तक नहीं जाते और वहाँ का स्टाफ उन पेशेंट से बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। वो आदमी जो उस जगह से भागने में सफल हुआ और जिसने मेरे ऊपर हमला किया, वो एक दानव, एक जानवर जैसा लग रहा था। लेकिन सच तो यह है कि वो उनमें से कुछ भी नहीं था। कुछ वक्त बाद मुझे उस आदमी के लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि मेरी ही तरह वो भी कभी किसी का शिकार था। मैं नहीं जानता कि मैं आज कैसे जानता हूँ, मेरा मतलब है मुझे इन बातों का ख्याल आ रहा है। मैंने अपनी बहन की बात कैसे नहीं सुनी जबकि उसने मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा था कि मैं रात को गाड़ी चलाकर घर ना जाऊं। उस दिन उसके जन्मदिन की पार्टी थी जो कि बदकिस्मती से वीकडे था। अगले दिन बुधवार था और मेरी ऑफिस में बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन थी, इसलिए जब एमिली ने कहा कि तुम आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते, तुम सुबह जल्दी उठ जाना और यहां से घर चले जाना, रात के इस वक्त उन जंगलों से गुजरकर अकेले जाना सेफ नहीं है पीटर। तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे आज रात घर जाना ही होगा। कल मेरे ऑफिस में बहुत ही बड़ी प्रेजेंटेशन है और मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की है। लेकिन पहले ही रात के 2:30 बज चुके हैं, जब तक तुम क्रिकेट क्रीक पहुंचोगे तो शैतानों का वक्त शुरू हो जाएगा। शैतानों का वक्त? किस जमाने में रह रही हो तुम एमिली? देखो पीटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन ये बहुत ही रिस्की है। लोगों ने उस जगह पर बहुत सी अजीब चीजें देखी हैं। जैसे कि भूत और पिशाच? तुम चाहे इस बात का जितना भी मजाक क्यों ना बना लो, लेकिन हमारे शहर के 3 लोग उस सड़क पर देर रात गाड़ी चलाने के बाद लापता हो चुके हैं। पुलिस को उनकी गाड़ी तक नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि सेटन उन जंगलों में आधी रात को पूजा करते हैं। शहर के बाहर के किसान ने बताया था कि उसने वहां एक आदमी को देखा था जिसने हिरण का सर पहना हुआ था। हे भगवान,
मैंने निराश होते हुए एक लंबी सांस ली और मैं वहां से उठ गया। मैं नए जमाने में रहता हूँ एमिली, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी भी कहानियां बनाएं। मैं आज रात को घर जरूर जाऊंगा और तुम्हारी इस सब बकवास बातों की वजह से मैं इस बात के लिए और भी ज्यादा जिद पर हूं। जब एमिली को एहसास हुआ कि उसकी इन अंधविश्वास से भरी हुई किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, उसने मुझे कहना छोड़ दिया। मैंने सबको गुड नाइट कहा और अपनी जैकेट उठाते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। कल मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना था। एमिली मेरे साथ दरवाजे तक आई और मेरे निकलने से पहले उसने मुझे गाल पर किस किया और कहा, चाहे तुम जो भी करो या जो भी देखो, बस अपनी गाड़ी से मत निकलना, ठीक है? Come on, तुम देखो पीटर, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती, बस तुम वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगे, मेरी कसम खाओ। ठीक है, मैं कसम खाता हूं। अब मेरी फिक्र करना बंद करो, मैं ठीक हूं। मैं उसे जोर की झप्पी देकर और एक बार फिर उसे बर्थडे की बधाई देकर वहां से निकल गया। उसने मुझे मेरे लाल रंग की गाड़ी में जाते हुए देखा। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। शहर के इस हिस्से में आज कल मुश्किल से ही कोई गाड़ी देखने को मिलेगी, तो एक तरफ से मैं खुश भी था कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंच सकता हूं, वो भी बिना किसी परेशानी के। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और सड़क पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। मेरी गाड़ी की लाइट ही सड़क पर पड़ने वाली रोशनी का जरिया था। एमिली ने मुझे जो भी डरावनी कहानियां सुनाई थी उन्होंने मुझे तब तो परेशान नहीं किया, लेकिन अब इन अंधेरी खाली सड़कों पर मुझे अकेले डर लगने लगा था। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और थोड़े गाने चला लिए ताकि मेरा मूड बदल सके। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब तक मैं क्रिकेट क्रीक नहीं पहुंचा। बहुत सारी ड्रिंक्स पीने के बाद खुद को होश में लाने के लिए मैंने जो इतना सारा पानी पिया था उसकी वजह से मुझे वॉशरूम जाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ चुकी थी। पहले तो मैं रुकना नहीं चाहता था ये सोचकर कि शायद मैं घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द ही जाने की जरूरत थी। मैंने गाड़ी रोकी, उस पर से उतरा और पास के झाड़ी तक गया ताकि मैं हल्का हो सकूं। मैं अपना काम कर रहा था जब मैंने झाड़ियों से आती हुई आवाज सुनी, जैसे कोई मेरे तरफ जोर से भागते हुए आ रहा हो। डरते हुए मैं फौरन पीछे मुड़ा। एक परछाई सड़क की दूसरी तरफ जाती हुई दिखी और तभी मुझे एक आदमी अंधेरे से निकलते हुए दिखा जिसने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे। वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था और सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं थी, इसलिए मैं उसे ठीक से देख पा रहा था। गाड़ी की हेडलाइट भी मुझे उस आदमी को ढंग से देखने में मदद कर रही थी। अगर आपको एडवेंचर ऑफ टेंटेन से थॉमसन और थॉमसन याद है तो उस आदमी ने ठीक उन्हीं की तरह कपड़े पहने हुए थे। उसने टोपी के साथ काले रंग का सूट पहना हुआ था, उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और दूसरे हाथ में एक छाता। उसका चेहरा फीका था और कोई भाव नहीं, जैसे वो सिर्फ दिखने में इंसान हो लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल ही अलग प्राणी हो। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, उस डरावने माहौल में उसका चेहरा मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। अगर मैं पहले हल्का नहीं हुआ होता तो अब खुद ब खुद हो जाता। मैं उसे ये जताना नहीं चाहता था कि मैं काफी डरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी गाड़ी के काफी करीब खड़ा हूँ। मैंने तय किया कि मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने उसे आवाज लगाई। हेलो मिस्टर, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि धीरे धीरे अपना सर बाएं ओर घुमाया जैसे कोई आदमी या कोई चीज उसे चला रही हो। फिर उसने धीरे से दोबारा मेरी तरफ देखा और अपना सर लेफ्ट राइट हिलाकर ना कहा, लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं गया। बिना और ज्यादा वक्त गवाए मैंने अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाने शुरू किए और वो आदमी फुल स्पीड में मेरी तरफ भागने लगा था। ओ नहीं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा तेज था। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ पाता मैं फटाफट गाड़ी में बैठ गया और मैंने उसे अंदर से बंद कर दिया। वो मेरी गाड़ी की खिड़की के ठीक सामने आकर रुक गया और अब मुझे आखिरकार उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। उसने अपने चेहरे पर सफेद रंग का पेंट लगा रखा था, उसकी कोई आईब्रोज नहीं थी और उसकी आंखें नीले रंग की थी। मेरे डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी और मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी बहन की बात क्यों नहीं मानी। उस आदमी ने मुझे कुछ देर तक देखा और फिर बाएं तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वहां कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, और तभी मेरा डर का पारा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। मुझे घबराहट होने लगी। वो आदमी मेरी गाड़ी के आगे भागने लगा और तभी अचानक एक और आदमी ठीक उसी की तरह कपड़े पहने अंधेरे से बाहर निकला और वो दोनों साथ में भागने लगे। मैंने अपनी गाड़ी चलानी शुरू की और उन दोनों ने भी तेज भागना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिमाग में छप गया है। वो दोनों आदमी जिन्होंने काले रंग का सूट पहना हुआ था सड़क के दूसरी वाली झाड़ी की ओर भागे और उनके जैसे कपड़े पहने बहुत से आदमियों का झुंड बाहर निकला। मुझे महसूस हो गया कि ये सब इन लोगों का बिछाया हुआ जाल है। 7-8 आदमियों का वो झुंड कूदने और चिल्लाने लगा जिसकी वजह से मेरे पसीने छूट गए और तभी उस मैदान में कहीं दूर से लाल रंग की चिंगारी हुई जिससे पता चला कि वहां भी कोई खड़ा था। और तब सड़क की दूसरी ओर से एक लंबा आदमी जिसने हिरण का सर पहना हुआ था और जिसके बड़े बड़े सींग थे मेरी गाड़ी की दाईं ओर से गुजरा और उन आदमी के झुंड में शामिल हो गया।
उनकी तरफ बढ़ते हुए उसने मुझे मुड़कर देखा और मुझे ऐसा लगा कि वो बस एक मौके की तलाश में है ताकि वो मुझे पकड़ सके, जो किस्मती से नहीं हो सका। जैसे उस हिरण के सर वाले आदमी ने सड़क पार की, मैंने जोर से एक्सेलरेटर पर पांव रखा और रोड रनर कार्टून कैरेक्टर की तरह वहां से भाग निकला। मैं तभी रुका जब मेरा घर आया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया और बार बार खिड़की से देखता रहा कि कहीं वो आदमी मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक तो नहीं आ गए। मैं खुश था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी सलाह के तौर पर, अगर आप कभी भी रात के समय क्रिकेट क्रीक से गुजरें तो बीच सड़क पर अपनी गाड़ी से बाहर मत निकलना। मुझे नहीं पता कि वो आदमी वहां क्या करने आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो वहां किसी की बलि देना चाहते थे। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है जो आप बयान न कर पाएं, और जब आप उसके बारे में किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो कोई आपका यकीन नहीं करता? मुझे यकीन है कि ऐसे मौकों पर आपको जरूर ये लगता होगा कि काश मेरे पास कैमरा होता, ताकि आप उस चीज को रिकॉर्ड कर पाते और लोगों को सबूत के तौर पर दिखा पाते कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। लेकिन सच मानिए, ये उससे भी ज्यादा बेकार है। कुछ ही हफ्तों पहले मुझे एक नई नौकरी मिली थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि यहाँ मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे थे और ये मेरी स्किल्स से ज्यादा मेल खाती थी। इस नौकरी की सिर्फ एक ही दिक्कत थी, ये मेरे घर से काफी दूर थी। उसी के साथ साथ यहाँ दोपहर में काम खत्म हो जाता था जब सूरज अभी ढलना शुरू हो रहा होता था। इसके साथ साथ इस नौकरी के और भी कई फायदे थे, इसलिए मैं दूर होने की बात पर ज्यादा गौर नहीं करता क्योंकि मुझे हाईवे पर ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरी बीवी मिली, जो उस समय अपनी प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में थी, बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। मुझे नहीं पता हनी, लेकिन मुझे ये आइडिया पसंद नहीं, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो। उसके डर को खत्म करने के लिए मैंने गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक कैमरा लगा लिया, इसलिए काफी वक्त आराम से गुजर गया। मंगलवार के दिन जब ऑफिस का दूसरा हफ्ता चल रहा था, मेरा काम रोज के मुताबिक कुछ देर से खत्म हुआ, इसलिए मुझे अपनी बीवी की तरफ से झट से फोन आ गया। डंकन, क्या सब ठीक है? हाँ डियर, मैं ठीक हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। जब मैं ऑफिस से निकला तो रात का अंधेरा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अपनी ही धुन में गाड़ी तक गया जो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। मैं जितना जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहता था ताकि मेरी बीवी को और ज्यादा चिंता ना हो। गाड़ी चलाने से पहले मैंने सारी जरूरतमंद लाइट्स चला दी। हालांकि दुकानों और रेस्टोरेंट से सड़क पर पड़ रही लाइट्स बहुत थी, लेकिन मुझे शहर से बाहर निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे इमारतों की जगह मेरे चारों ओर घास और पेड़ दिखने लगे। अब यहाँ कम रोशनी थी, हालांकि हर थोड़ी दूरी पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जिससे कुछ रोशनी तो थी। मैं पहले से इस सड़क पर पिछले एक हफ्ते से आ रहा था, इसलिए मुझे रास्ता काफी हद तक याद हो गया था। ऊपर से मैं जानता था कि अक्सर नहीं होता, इसलिए मैं अपने आगे एक और गाड़ी को देखकर हैरान था। गाड़ी की लाल लाइटों की मदद से मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे कितनी दूरी पर है, और तभी मुझे एहसास हुआ कि अचानक वो गाड़ी रुक गई है। क्या? जैसे ही मैं उस आदमी के आगे से निकला, मैंने अचानक अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाई। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे सांसें जैसे रुक सी गई हूं। ये क्या था? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे जिनकी वजह से मेरा सर घूम रहा था। मैं इस तरह गाड़ी नहीं चला सकता था। आखिर वो था क्या? वो लड़का वहां क्यों खड़ा था, सड़क के बीचों बीच रात के इस समय? मैंने उसे सिर्फ कुछ ही पलों के लिए देखा था, लेकिन मुझे यकीन था कि ना तो उसके हाथ थे और ना ही चेहरा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं गलत तो नहीं, मैंने अपनी गाड़ी के शीशे की मदद से उसे देखा। ये देखने के बाद कि वो लड़का अभी वहां है और हिल तक नहीं रहा, मैं परेशान हो गया। जबकि मैं बहुत बड़े सदमे में था, लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया कि मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। मेरा मतलब है, अगर उसे कोई मदद की जरूरत हो तो, क्या पता उसने ड्रिंक की हुई हो और वो होश में ना हो। क्या मैं उसे यहीं रहने दे सकता हूँ, ये जानते हुए भी कि कोई उस पर गाड़ी चढ़ा सकता है? मैंने अपनी गाड़ी बंद की, चाबी निकाली, दरवाजा खोला और फिर निकलने से पहले गाड़ी बंद कर दी। ये कोई मजाक भी हो सकता था या फिर मुझे लूटने का कोई तरीका, इसलिए मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। धीरे धीरे मैं उस लड़के के करीब गया। वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, इसलिए मैं उसे ठीक से देख पा रहा था। क्योंकि मैं उसे पीछे से देख रहा था, इसलिए मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि उसके हाथ थे या नहीं। हेलो, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। क्या तुम ठीक हो मैन? क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? क्या तुम्हें चोट लगी है? मेरे पास फोन है, अगर तुम चाहो तो किसी को फोन कर सकते हो। इस बार वो लड़का धीरे से हिला। मैं समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन कम से कम अब वो जवाब दे रहा था। देखो, मैं अक्सर ऐसा नहीं करता,
लेकिन मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं तुम्हें कहीं छोड़ सकता हूँ अगर। मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। क्या तुम? अचानक वो लड़का अजीब तरीके से हिलने लगा। और जब वो मेरी तरफ मुड़ा तब मेरी चीख निकल गई। माय गॉड! जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे पसीने आने लगे। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कि मैं पहली बार में सोच रहा था। जिस जगह उसकी आईब्रोज, आंखें, नाक और होंठ होने चाहिए थे वहां अजीब निशान थे। और हाँ, उसके चेहरे पर दो छेद थे जिसकी मदद से वो सांस ले सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा काटा गया हो और फिर चेहरे को जला दिया गया हो। वो हिलता रहा और कर्राहता रहा जैसे वो खुद को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहता हो, लेकिन वो आदमी कुछ छू भी नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ भी नहीं थे। ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। वो आदमी बहुत ही हताश लग रहा था। अचानक वो जंगल की तरफ भागने लगा। रुको! मैंने उसे कहने की कोशिश की कि वो किसी पेड़ से टकरा सकता है, लेकिन वो आदमी तब तक नहीं रुका जब तक उसका एक कंधा किसी पेड़ से जाकर नहीं टकरा गया। एक बार फिर अपने मुंह से वो आवाज निकालने के बाद उसने अपना सर पीछे किया और फिर जोर से उसे पेड़ पर दे मारा। सर पटकने जैसी आवाजें आने लगी। वो आदमी अपना सर पेड़ पर पटक रहा था। बंद करो ये! मुझे नहीं लगता था कि वो मेरी बात सुनेगा, लेकिन वो रुका और फिर पीछे मुड़ा। उसके जले हुए चेहरे पर अब चोट के निशान भी थे। फिर वो आदमी जंगल की ओर अंदर भागने लगा और धीरे धीरे अंधेरे में कहीं गायब हो गया। एक बार जब वो चला गया तो मैं भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के बारे में सोचने लगा, लेकिन उस घटना ने मुझे इतने सदमे में डाल दिया था कि मैंने वहीं उल्टी कर दी और फिर अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ गया। मेरे फोन में मेरी वाइफ की बहुत सी मिस्ड कॉल्स थी। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने मिली को सब कुछ बताया, यहां तक कि मैंने उसे डैश कैम की फुटेज तक दिखाई, लेकिन फिर भी मेरी बीवी को मुझ पर यकीन नहीं हुआ। हनी, तुम प्लीज शांत हो जाओ, ठीक है? अब तुम घर आ गए हो, वो बस एक बहुत ही घटिया मजाक था। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि वो गलत थी। मैं जानता था कि जो मैंने देखा वो सच था। तब से ही मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं क्योंकि हर रात मुझे बुरे सपने आते हैं जिसमें बिना चेहरे वाला वो लड़का मुझे दिखाई देता है। मैं इस घटना में इतना ज्यादा डूब गया था कि मैं ये तक सोचने लगा कि किसी ने घिनौनी हरकत एक इंसान के साथ की होगी, और उसी के साथ साथ मैं गुमशुदा लोगों की जांच तक करने लगा था। लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढता जब उसका कोई चेहरा ही नहीं था जिससे उसकी शिनाख्त हो सके।